अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इकराम हक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप क्लास मीडिया। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोलर की प्राइसेस पे। सोलर की जो प्राइसेस हैं वो दिन ब दिन बढ़ रही हैं, वो क्या वजह है, किस वजह से बढ़ रही हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और जो आज की प्राइसेस हैं, जो पंजाब की मार्केट में प्राइसेस चल रही हैं, वो इस वीडियो में आपकी बताई जाएंगी कि क्या प्राइसेस चल रही हैं आजकल, इन प्राइसेस में कब कमी आने के चांसेस हैं वो भी इसी वीडियो में बताए जाएंगे, और ये प्राइसेस क्यों बढ़ रही हैं ये भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्द प्राइसेस में कमी भी देखने को मिलेगी। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और हमारी वीडियो को आखिर तक देखें ताकि जो हर बात है वो आपको सही समझ आए और आप अच्छी तरह मार्केट से ख़रीदारी कर सकें। जब आपको प्राइसेस मालूम होंगी तो आप अच्छी तरह मार्केट में जाके अच्छी ख़रीदारी कर सकेंगे। दोस्तों पिछली वीडियो में जो FBR की नई रूलिंग आई थी उस पर मैंने डिस्कस की थी, जिन भाइयों ने वो वीडियो नहीं देखी वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वो देख सकते हैं। दोस्तों उस FBR की रूलिंग आने के बाद एक अंदाज़ा है कि 3200 रुपये तक जितने भी अच्छे कैनेडियन जेनको लॉन्जी अच्छे Tier 1 क्वालिटी के जो सोलर पैनल हैं वो आ जाएंगे, और दूसरे जो बी ग्रेड सोलर पैनल हैं वो तकरीबन 29 रुपये से 28 रुपये, 29 रुपये, 30 रुपये तक के आने के चांसेस हैं। दोस्तों एक व्यूअर्स ने कमेंट्स की है कि हमारे पास सियालकोट में 60 रुपये जो कैनेडियन सोलर है वो बिक रहा है। तो दोस्तों मैंने कहा कि आज की जो नई प्राइसेस हैं, जो आज के दिन लेटेस्ट प्राइसेस हैं, वो आपको बता दी जाएँ ताकि आपने जब मार्केट से ख़रीदारी करनी है, अगर आपकी कोई मजबूरी है और आपने अभी ख़रीदारी करनी है तो आप इन प्राइसेस पे ख़रीदारी कर लें। अगर आपकी कोई मजबूरी नहीं है तो कुछ दिन रुक जाएं और देख लें कि ये FBR की जो रूलिंग आई है तो इससे जो प्राइसेस में कमी देखने को मिलेगी, जो 3200 रुपये पर वाट का बताया जा रहा है, दिन रुक जाएं। ये जो 3200 रुपये पर वाट बताया जा रहा है ये FBR की रूलिंग के मुताबिक है, और टैक्स वगैरह लगा के करीबन 42 से 45 रुपये के दरमियान जो प्राइसेस हैं अच्छे Tier 1 सोलर जो हैं उनकी प्राइसेस आ जाएंगी। दोस्तों जो आज की प्राइसेस हैं वो आपको बता देता हूं। दोस्तों जैसे सोगो है, सोगो सोलर पैनल की जो आज के दिन प्राइस चल रही है वो 51 रुपये 50 पैसे है। दोस्तों जे की बात करें तो जे में जो पी टाइप सोलर पैनल है उसकी जो आज के दिन कीमत चल रही है मार्किट में वो 49 रुपये है। दोस्तों पीट एन टाइप जो जिनको कहे उसकी बात करें तो वो जो मार्केट में दस्तयाब है 53 रुपये पर वाट के हिसाब से मार्केट में उसका रेट चल रहा है। दोस्तों इसके बाद ट्रीना सोलर की बात करें तो ट्रीना सोलर जो पी टाइप है वो 53 रुपये पर वाट, और जो इसमें ट्रीना सोलर में एन टाइप है वो 55 रुपये पर वाट मार्केट में रेट चल रहा है। दोस्तों इसके बाद जो जिनको कहे जिनको में जो एन टाइप सोलर पैनल है उसका 55 रुपये पर वाट, और जो जिनको में पी टाइप सोलर पैनल है उसका 49 रुपये पर वाट आज रेट चल रहा है। इसके बाद लॉन्जी की बात करें तो लॉन्जी जो लॉन्जी में हाइमोफाइफ है डबल गिलास में वो 55 रुपये पर वाट, और जो लॉन्जी में सिंगल गिलास है वो 50 रुपये पर वाट चल रहा है रोड। और दोस्तों जो लॉन्जी का हाइमोसिक्स है, जो लॉन्जी का हाइमोसिक्स है वो 56 रुपये पर वाट आज उसका रेट पहुंच गया है। इसके बाद कैनेडियन सोलर की बात करें तो कैनेडियन सोलर में जो एन टाइप सोलर पैनल है उसकी बात करें तो उसका 55 रुपये पर वाट आज के दिन रेट है, और जो उसमें पी टाइप है उसका 51 रुपये पर वाट आज मार्केट में रेट चल रहा है। दोस्तों इसके बाद इन्वरेक्स की बात करें तो इन्वरेक्स की जो कीमत है आज के दिन वो 50 रुपये पर वाट पर पहुँच चुकी है, और जो सिंगल गिलास में सोलर पैनल है। दोस्तों JM की बात करें तो JM की 53 रुपये पर वाट कीमत है जो सिंगल गिलास में है, और जो आस्ट्रा एनर्जी है वो भी 53 रुपये पर वाट पे उसकी कीमत है आज के दिन, और जो मैसन सोलर है उसकी कीमत भी बढ़ गई है, पिछले 2-3 दिन से उसकी कीमत रुकी हुई थी 48 रुपये 46 रुपये पे चल रही थी, उसकी भी आज 51 रुपये पर वाट पे कीमत पहुँच चुकी है, और जो जेड एंड शाइन है उसकी आज के दिन जो कीमत चल रही है वो है 52 रुपये पर वाट। दोस्तों कीमत बहुत बढ़ चुकी है, आपको चाहिए कि आप कुछ दिन रुक जाएं, सोलर का बाइकॉट करें ताकि जो सोलर की कीमतें हैं वो कुछ डाउन हो जाए। अगर सोलर की ख़रीदारी में इजाफा हो गया तो सोलर की जो कीमतें हैं वो बढ़ जाएंगी। जैसा कि आपको आगे पता है कि फरवरी में मार्च में
वैसे भी सोलर की ख़रीदारी में इजाफा हो जाता है क्योंकि गर्मी आ रही है। हर इंसान को यही ज़रूरत होती है कि गर्मियां आने से पहले पहले हम सोलर सिस्टम लगा लें। तो दोस्तों अच्छी तरह मार्केट को विज़िट करके, तसल्ली करके, हर जगह के रेट मालूम करके अच्छी तरह ख़रीदारी करें ताकि आपका जो कहीं नुकसान ना हो जाए। दोस्तों ऐसी मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तो दीजिए हमको इजाज़त। खुदा हाफिज़।